वालेकुम, एक नए व्लॉग के साथ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग की तो आज अभी भी सुबह हुई है, दिन के 12 साढ़े 12 बजे के करीब, और अभी बज रहे हैं 1:30। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले नाश्ता खाया है। नाश्ता हमने कचौड़ियाँ नाश्ते में खाई, कचौड़ियाँ हैं। चाय पापे खाए, और हमारे बच्चों के जो है सुबह होते ही जो है वो बस मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। वो बेड के ऊपर लटक रहा है, एक नीचे, एक जो है अंदर अलमारी से जो है वो शूज निकालने में लगा हुआ है। इर्तिजा क्या कर रहे हो हैं? इसने बहुत तंग किया हुआ है आजकल, बस ये चिल्लाता रहता है, ज़रा ज़रा सी बातों में रोना शुरू कर देता है, इधर उधर पूरे कमरे में इधर से उधर चीज़ें फैलाने में लगा रहता है। ये लोग जो है यूट्यूब में जो है हमारे व्लॉग लगा के देखना शुरू करते थे सुबह उठते ही, कि बाबा के व्लॉग देखने, बाबा के व्लॉग देखने। कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कमरा समेटेंगे फिर हमें जाना है बाजार। कमरा समेटेंगे फिर हमारी बेगम ने कहा है कि बाजार लेके चले, मुझे कुछ सामान लेना है। नहीं नहीं, बच्चे नहीं जाएंगे, आप लोग नानी के घर में रुकोगे। हाँ। नहीं, मैं और हम लोग फिर होके आएंगे बाजार से। बाहर जाएं, बाहर का मौसम देखें जरा कैसा हो रहा है। बड़ी गर्मी हो रही है आज, लेकिन ये कि धूप वूप इतनी नहीं है, धूप कम है, बादल वादल हैं थोड़े से। आ रहे हैं, तैयार हो चुके हैं, अब बेगम को हम शॉपिंग करने के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ से हम निकलेंगे, पहले बच्चों को जो है छोड़ेंगे उनकी नानी के घर पे, उसके बाद फिर हम जो है जाएंगे मार्केट। इस बच्चे को हम अपने साथ लेके जाएंगे, ये बच्चा जाए कहीं और नहीं सकता, कह रहा है इसको साथ लेके जाना पड़ेगा। ये दो नमूने जो है ना, इन दो नमूनों को हम जो है छोड़ के जाएंगे नानी के घर पे, उसके बाद हम वहाँ निकलेंगे। तो बस रेडी हो गए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं तो मना कर रहा था मत जाओ मार्केट, लेकिन मैंने कहा नहीं जाना है मार्केट, तो बस सही है जाना पड़ेगा। तो फिर हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाएंगे फिर हम आपको देखेंगे, वहाँ पे भी दिखाएंगे ज़रा मार्केट में क्या क्या ले रहे हैं ये लोग। हाँ तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घर से, हम जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने इनकी नानी के घर पे, इनकी नानी के घर पे जा रहे हैं, इनकी नानी के घर पे इनको उतार के फिर हमें जो है अपनी साली को लेना है। साली भी साथ जाएंगे ना इनके, दोनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया मुझे फुहार करने का, तो साली हम घर से लेंगे, पहले इनको उतारें, फिर दोबारा आना पड़ेगा अपने ससुराल उनकी बेटी को छोड़ने के लिए, फिर आगे का प्रोग्राम होगा। अभी इतना आसानी से नहीं पहुँचेंगे मार्केट, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग का 20-25 मिनट ज़ाया होने अभी, मतलब इनको इनकी नानी के घर पर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ससुराल का रास्ता है बहुत इजी रास्ता है, 2 मिनट की ड्राइव पे हम अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। किसी का होगा इतना करीब ससुराल? हमारा ससुराल है। हाँ खोलो, पहुंच जाओ, आग बंद करो, पहुंच जाओ घर वापस, ऐसे पहुंचते हैं हम लोग। पहुंच गए अपने ससुराल, बच्चों को उतार रहे गाड़ी से। आजा भाई आजा, मास्क किधर गया? लग रहा है सो गया, लग रहा है इनको उतारने बच्चों को, ताकि बाजार ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा रहेंगे ना, सुकून से हम लोग कर जाएंगे। हम आ चुके हैं अपनी साली को लेने के लिए उनके घर पे, वेट कर रहे हैं नीचे, उनको फ़ोन किया है भाई नीचे आ जाओ, कब से नीचे खड़े हैं हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखें वो इस गेट से सामने से निकल के आएंगी, वो भी नीचे साली के लेने के लिए आए उनके घर पर, ये भी बहुत करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे ससुराल साली का घर सब करीब है, कोई फासले पर नहीं है, अच्छी जगह पर लोकेशन है, पूरी मार्केट वार्केट सब है यहाँ पे, जगह अच्छी है। 10 मिनट हो गए हम लोग इंतज़ार करते हुए, लेकिन ये जो है ना अभी तक ऊपर से नीचे नहीं उतरी हैं। 10 मिनट हम लोग खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, अभी उतर जाएं, अब उतर जाएं, लेकिन नहीं। भैया आ गए, हमारी साली आ गई, अब इनको जो है हम बैठ रही गाड़ी पर आके, उनकी बेटी आ रही है गाड़ी, ये मेरा शॉप के अंदर, ये लोग सिलेक्ट करने में लगे हुए, आधा घंटा इन्होंने ही निकाल दिया, अभी तक सिलेक्ट नहीं करके दिया। जा रहे हैं घूमने के लिए आए हो बाबा के साथ? कहाँ घूम रहे हैं? दुकानों में घूम रहे हैं?
प्रॉपर ऑपर सब लेके चलेंगे। एक दुकान से निकल गए भाई, दूसरी दुकान में इंटर हो रहे हैं। ये लोग घुमाएंगे आज मुझे गर्मी में भरपूर, बस जल्दी से हो जाए। सिर्फ भाई हम एक मार्केट से निकल गए, अब दूसरी मार्केट में लोगों को जाना है दुपट्टा लेने के लिए। सब देखेंगे आज रात। ये भी बोल रहा जा रहे हैं आगे, यहाँ से फिनिश हो गया, अब आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे भी 15-20 मिनट का काम है लग रहा है इनको, लेकिन आधा घंटा लगेगा। नहीं 10 मिनट में ले लेंगे हम। नहीं 10 मिनट ही लगते औरतों को, आधा घंटा तो लेती है हर जगह पे। हमने शहर कितनी जल्दी जल्दी ली है, इतना कोई टाइम लगाया? देखते हैं आधे घंटे उसके बाद। ठंडी ठंडी शॉप से बाहर निकल लें, गर्मी लग रही है, पसीने निकल रहे हैं, फिर गर्मी से ठंड में जाओ, फिर उसके बाद आप हमें कुछ ठंडा पिलाएंगे। भाई ये लोग मार्केट घूमे जा रहे हैं, मुझे इतनी दूर खड़ा करवा दिया इन लोगों ने। गाड़ी पार्क करके मार्केट की तरफ पैदल जाना पड़ रहा है इतनी गर्मी में चलते हुए। बहुत खुआर करती हैं लड़कियाँ ना हसीन। जा रहा हूँ मार्केट, देखता हूँ क्या लेने जाएंगे इन लोग। फाइनली भाई इनकी शॉपिंग ख़त्म हुई, अब इन लोगों को मैं वापस इनके घर पर उतार रहा हूँ, मैं ससुराल मतलब इनको उतार के फिर मैं अपने घर जा रहा हूँ वापस में इन लोगों को उतारने के बाद। A few moments later. ये क्या हुआ? अभी जब मैं आया था तो बहुत तेज धूप थी, इतनी गर्मी थी बाहर, पसीने निकल रहे थे गर्मी से, बुरा हाल हो रहा था। काफ़ी गर्मी थी आज यहाँ पे कराची में, तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। मैं तो आगे फटाफट चेंज वेंज किया, लेट गया था मैं, लेकिन ये कि जैसे ही मैंने पता चला मुझे कि कराची के बैरियर टाउन वगैरह इन जगहों पर बारिश हो रही है, भाड़ा के मौसम देखा तो मौसम में तो अचानक तब्दीली आ गई, एकदम काले बादल आना शुरू हो गए कराची की तरफ, बढ़ रहे कराची की तरफ काले बादल। कह रहे हैं कि 30-40 मिनट के अंदर कराची के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, गर्द आलू हवाएं चल सकती हैं। देखते हैं क्या होता है, बारिश मिलती है कराची को नहीं मिलती, हम तो इस वक्त वेटिंग पे लगे हैं, बारिश मिल जाए। लेकिन ये कि देखते हैं कि कराची वालों को कुछ बारिश मिलती है नहीं मिलती, लेट्स सी क्या होता है ये वेटिंग, कि क्या होता है कुछ आने वाले मिनटों में कुछ थोड़ी बहुत मिलती है, बारिश नहीं मिलती। दुआ करें आप सब लोग भी, दुआ करें कि कराची में अच्छे बारिश के स्पेल हो, बहुत टाइम हो गया कि वस्ती बारिश नहीं हुई कराची में। उम्मीद तो की जा सकती है कि कुछ बारिश हो, क्योंकि वहाँ से जो है कुछ काले काले बादल नज़र आने जो कराची की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जो है कराची वालों को अच्छी बारिश देखने को मिले, रहमत वाली बारिश, खास करके रहमत वाली बारिश कराची वालों को देखने को मिले। तो ये कि बाहर अब धूप ख़त्म हो गई है, छाँव आ गया है धूप, तो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। जैसी बारिश अगर होती है तो आप लोगों को बारिश दिखेंगे कि कैसी बारिश हो रही है, हल्की हो रही है, तेज़ हो रही है, मौसलाधार हो रही है, जैसे लाहौर में हुई 300 मिलीमीटर। कराची वालों को भी इस तरह की कोई भी बारिश की ज़रूरत है। काली घटा इस वक्त आ रही है कराची के करीब, काफ़ी पहुंच गई काली घटा, देख रहे हैं आप लोग मंजर, ये अच्छी काली घटा आई है। बस ये बरस जाए तो बड़ी बात है, अगर नहीं बरसी तो बगैर बरसे ऊपर से निकल जाएगी कराची के। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो है कि कुछ मिल जाए कराची को। बड़ा ही बेहतरीन मौसम हो गया, एकदम से गर्मी कराची से दूर दूर तक भाग गई है, इस तरह का गर्म मौसम था आज। तो आज लगता है कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दिन हम लोग के साथ बारिश ने कर दिया, बहुत बड़ा प्रांक। बादल आए, उम्मीद आई, सब कुछ आया, लेकिन बादल आने के बाद ऐसे फुर हो गए कि आसमान साफ होने लगा, बादल सारे गायब हो गए। प्रांग कर दिया बारिश ने हमारे साथ, बड़ी उम्मीदें थी कि बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, गर्मी थी इतनी सब की थी, बारिश होगी थोड़ा मौसम बेहतर होगा, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, अब बारिश ने हमारे साथ कर दिया प्रांग। और अब हमको दोबारा से पसीने आना शुरू हो गए, मौसम कुछ बेहतर हो गया, गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो गई। A few hours later. मैं हो गया शादी के लिए तैयार, अभी लेके जा रहे हैं हम शादी में। तो मैं जा रहा हूँ बस अब बीवी बच्चों को लेने के लिए, बीवी बच्चे मेरे महके में हैं तो उनको वहाँ पर, बीवी अपने महके में है तो मैं वहाँ से उनको तैयार हो गया, दोनों तैयार होकर बैठे हैं सब। तो मैं तैयारी कर ली है, बस मैं जा रहा हूँ उनको लेके डायरेक्ट फिर हम शादी हॉल जाएंगे। शादी हॉल में से 1-1.5 घंटे बैठेंगे खा पी के, उनको बस दे दिला के फिर वापस आ जाएंगे घर पर। जाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं होगा शादी में, बस जाना पड़ रहा है, अम्मा ने कह दिया था कि जाना है शादी में, तो मैंने चले सही है जाते शादी में। बस सब तैयार हो गए, बाहर भाई भाई बोलना चलो नीचे उतरो, तैयारी पकड़ ली जाने की, मोबाइल रखी, गाड़ी की चाबी ले ली, बस जाते हैं, फिर मिलते हैं शादी हॉल में।
हाँ भाई, मैंने अपने बच्चों बच्चों को ले लिया है और हम शादी में जा रहे हैं। सुन लिया क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं? हम शादी में जा रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, फिर हम ना व्लॉग बनाएंगे। ये भी है इर्तिजा, कहाँ जा रहे है? घूमने जा रहे है? तो बस हमने ले लिया भाई, अब हम जा रहे हैं, देखे रास्ते में। हम रास्ते में अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, फिर हम आपको ना पहुंचेंगे। ज्यादा दूर नहीं है, बस हम लोग करीब की तरफ जाना, ज्यादा दूर नहीं जा रहे, बस आ जाएगा 10 मिनट में। अगर रश वश ना मिला कहीं पर तो 10 मिनट के अंदर 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 रश नहीं होगा हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे, तो हम ना जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक जी। शादी हॉल में मार्क्यू में, मार्क्यू लॉन है, देख लें आप। बस हम जा रहे हैं, बस बच्चे बच्चों को लेते अंदर, एक को चढ़ाए ऊपर, चढ़ाए 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 चढ़ाए। चलिए आपने गुलदस्ते लाए, देख ले भाई, वहाँ गए शादी में मार्क्यू हॉल। जा रहे हैं हम लोग सीधे सीधे हॉल में, साथ साथ रहना। अच्छा है, अच्छा बना रहे हैं। अभी खाना वाना खा के सब फारिग हो चुके हैं, सब अब यहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए। दूल्हा दुल्हन भी खाना खा रहे हैं, हमारी टेबल भी देख लें कैसी खाने की हो गई। खाना वाना खा के पेट का अभी दुनिया खाना खा लिया, पेट भर गया आपका? पेट भर गया। A few moments later. हम अपने घर पे आ गए, चेंज वेंज कर लिए कपड़े वपड़े, बच्चे कपड़े चेंज कर रहे हैं, मैंने तो चेंज कर लिया है। और ये कि बस अब रात के वैसे ही 12 बज चुके हैं, अब हम जो है सोएंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी भी अल्लाह पाक ने, तो जो है नए व्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। एक बात ज़रूर बस ये बताना चाहता हूँ कि व्लॉग को जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया, अगर देखते हैं आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते गलत बात है, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट सोचूँ और आपके लिए जो है बना बना के आप लोगों को दिखाऊँ, ताकि आप लोग इंटरटेन हो मेरे व्लॉग देख देख के। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।